हेलो मैम, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो मैं गई हूँ अभी एक वीकेंड टूर में फोर्ट रायचक में, विच इज़ 70 किलोमीटर्स फ्रॉम कोलकाता। फैमिली वीकेंड ट्रिप। एक्चुअली संडे आउटिंग बोलना सही रहेगा, बिकॉज सैटरडे को मुझे टाइम नहीं मिले। तो इट्स नॉट अ वीकेंड गेट अवे, बट संडे आउटिंग फोर्ट रायचक में मेरे फैमिली के साथ। अंकल आए हुए हैं USA, साल में एक बार ही आते हैं। तो आई कुड नॉट मिस दिस, क्योंकि आज मेरा थोड़ी सी तबीयत खराब है, गला वाला बैठा हुआ है। सो प्लीज़ बेयर विद दैट, थोड़ी धीरे बोलूंगी कभी कभी, बट ये मैं मिस नहीं कर सकती थी। इस बार स्पोर्ट ट्रैचक में संडे आउटिंग का मजा लेते हैं साथ में। चलिए, सैटरडे तक एक हेक्टिक वीक के बाद माई फैमिली डिसाइडेड टू अनवाइंड एट फोर्ट ट्रैचक ऑन संडे। तो जुलाई के बरसात वाले मौसम में एक सुनहरी संडे को मैं, मम्मी पापा और चाचा गाड़ी लेके निकले। चाची को पिकअप किया चाची के घर से, देन हम डायमंड हार्बर रोड मतलब NH 12 लेके वी हेडेड फॉर रायचक। एंड सो वी ऑल आर हियर नाउ। अभी 11 बज गया है ऑलरेडी, और यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स और उससे भी एक्चुअली कम बाकी है यहाँ से। कोलकाता से अराउंड 70 किलोमीटर्स की दूरी पे है रायचक ऑन गैंजेस, और रास्ता जोका होते हुए जाती है, तो अक्षरधाम भी रास्ते में ही पड़ता है। आप यहाँ भी एक बार स्टॉप कर सकते हैं, हम लोग लौटते वक्त रुके थे। रायचक ऑन गैंजेस प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए यहाँ पे एक सिक्योरिटी गेट है, जहाँ पे पूछते हैं कि कहाँ पे बुकिंग है आपकी या कहाँ डे आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो डिटेल्स देना पड़ता है। और हमारी तो मेनली फोर्ट रायचक में प्लान थी, पर फोर्ट रायचक के अलावा इस प्रॉपर्टी रायचक ऑन गैंजेस में बहुत सारे लग्जरी होटल्स, स्पास, रिसॉर्ट्स, विलाज और थीम्ड बेस्ड कंट्री होम्स भी है। So we have reached the Fort Rychuk at around 12:30. Abhi 12:30 baja hai. And here is my koyle mama. Mama, say hi. Hi. Aur papa aur uncle matlab chacha, chachi, bhai sab bandar gaye hue hain. Dikhati hu, milwati hu sabse. डायमंड हार्बर में ये फोर्ट कॉलोनियल टाइम मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये बनाया गया था, हुगली रिवर के ऊपर हो रहे एक्टिविटीज़ को नज़र रखने के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये डायमंड हार्बर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट थी अपने बिजनेस कैरी आउट करने के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद तो इस फोर्ट की हालत ख़राब थी और काफ़ी सालों तक ये नेग्लेक्टेड रहा। बाद में रेडिसन ग्रुप ऑफ होटल्स ने इसको टेक ओवर करके एक 5-स्टार रिसोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। The room charges here ranges from 7,000 to 10,000. यहाँ पे अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो ये है कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। There is the lounge area of the resort, पुराने स्टाइल का है। इस पूरे फोर्ट में ब्रिटिशर्स उस टाइम पे जो भी यूज करते थे, गन्स, डेली नीड आइटम्स, यूटेंसिल्स, फोटोग्राफ्स, सभी को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है एक म्यूजियम की तरह। Hey. भाई, भाई अंकल, चाचा, मेरे चाची, भाई एक्चुअली ही इज माय कजिन। तो अब कुछ बोलो, कैसा लग रहा है जगह? प्लेस इज गुड, प्लेस इज गुड। ओके, वी आर येट टू ट्राई द फूड ओवर हियर। लंच तो अभी करेंगे, उसके बाद इट्स ऑन द गैंजेस। एक्चुअली रायचक ऑन गैंजेस भी बोलते हैं, तो लाइक रिवर के ऊपर एक राइड भी होता है लॉन्च का, तो हम आई डोंट नो वी आर गोइंग टू टेक दैट और नॉट, बट वैसे तो गंगा किनारे जाएंगे तो बहुत अच्छा है वहाँ के, वहाँ से मतलब व्यू भी बहुत अच्छा है। ये देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम के फोटोज है यहाँ पे। उसी टाइम का है ना ये फोर्ट, यहाँ पे
एंटिक चीज़ें भी रखा हुआ है लाउंज में, गन्स ऑन डिस्प्ले. सुबह को ऐसे किसी ने कुछ नहीं खाया था तो 12-12:30 बजे वहाँ पहुँचने तक सभी को बहुत भूख लग गई थी. तो वी फर्स्ट वांटेड टू हैव आवर लंच. फॉर लंच वी चेक्ड आउट द रेस्टोरेंट रिफ्लेक्शंस. तो ये है रेस्टोरेंट. व्यू बहुत अच्छा है ऐसे, बट आउटडोर्स में थोड़ी गर्मी है अभी, तो बाहर नहीं बैठेंगे इसलिए कर्टेंस लगाया हुआ है. एंड देखते हैं अभी, खाना तो अच्छा ही होगा. मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पर काफ़ी साल पहले, मतलब जब तब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, क्लास 7 or 8 6 7 8 ऐसा कुछ था, उस टाइम पे आई थी. ऑफिस पार्टी था पापा का, तो ऑफिस पार्टी में आई थी. एंड अभी फैमिली के साथ आई हूँ. ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ का, और बाकी सुना है कि यहाँ पे 7 रेस्टोरेंट्स है, तो दिस इज़ वन. हमने यहाँ पे बफे चूज किया था, और यहाँ पे बफे का प्राइस है 1200 प्लस GST, और यह अलाकार्ट का ऑप्शन भी है. आलू टिक्की चाट भी है यहाँ पर. आई वांट टू टेक 2 फ्रॉम दिस. चाट इज ऑलवेज अ फेवरेट. वेज में सैम्पलिंग करके, थोड़ी थोड़ी करके कुछ ले रही हूँ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि बफे है तो बफे का तो फायदा उठाना है. थोड़ी थोड़ी करके बहुत कुछ ट्राई कर रही हूँ. स्टार्टर्स बाद में ट्राई करेंगे, अभी ये ट्राई करते हैं, देखते हैं चलिए कैसा होता है. सब खाने में बिजी. ये तो भाई तो सूप ही खा के, मतलब आधा पेट तो सूप से ही भर गया इसका. खाने में तो यार सब कुछ बहुत टेस्टी था, वेज हो या नॉन वेज. पापा, चाचा, चाची, एक्चुअली सभी ने नॉन वेज लिया है, बट ओनली मम्मी ने वेज लिया है. तो वेज के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं. वेज कैसा लग रहा है? वेज कैसा लग रहा है? एक क्लास अच्छा है. तो मैं तो अभी भी स्टार्टर्स में हूँ, बट बाकी लोग बहुत कुछ खा चुके हैं अभी तक. तो हाउ इज द फूड? ग्रेट, गुड. ओके चाची, कैसा है? गुड. अच्छी लग रही है सबको खाना. मैं अभी बाकी मेन कोर्स ट्राई करने वाली हूँ. अभी तो मैं सैलड्स, अभी तक तो सैलड्स ही ट्राई कर रही थी. मशरूम इन मलक सॉस. अच्छा, देखिए मैं चिली फिश, फ्राइड राइस एंड ऑल, बाकी मशरूम ये सब खा के मैं क्या लास्ट में क्या खा रही हूँ, मतलब इट इज़ द कम्फर्ट फूड. यहाँ पे चटनी ली हूँ, स्टीम राइस, दाल और वाटरमेलन और सैलड लास्ट में. और डेजर्ट्स में भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, रसमलाई, स्वीट्स, आइसक्रीम, मूस केक. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आइसक्रीम और मूस केक ही ट्राई की. मैं जब बचपन में यहाँ आई थी तब नीचे इस रास्ते से हम लोग लॉन के साइड और गंगा किनारे गए थे, पर अभी ये साइड बंद है. एंड लंच के बाद इट वॉज टाइम टू रोम एंड स्ट्रॉल अराउंड द प्रॉपर्टी अ बिट. पर उस दिन बाहर इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी थी कि हम लोग ज़्यादा देर तो बाहर रह नहीं पाए, और 4-4:30 बजे धूप कम होने तक हम लोग रेस्टोरेंट में ही बैठ के बातें कर रहे थे क्योंकि वहाँ AC था. और अराउंड 5 बजे फिर घूमने निकले.
ओके, तो मेरे पीछे आप दो स्विमिंग पूल देख सकते हैं, यहाँ पे एक अडल्ट के लिए है और एक यहाँ पे बच्चों के लिए है। तो मैं हम लोग एक्चुअली अभी तक तो रेस्टोरेंट में ही वेट कर रहे थे, शाम होने की वेट कर रहे थे। अभी मतलब इतना धूप है ना आज, बहुत गर्मी लग रही थी, तो रेस्टोरेंट में एसी है इसलिए वहाँ पे वेट कर रहे थे। और अभी लाइक ऐसे अभी गंगा किनारे जाएंगे, स्विमिंग पूल देख के तो डाइव करने की मन हो रही है, बट अभी यहाँ डाइव नहीं करेंगे, गंगा किनारे जाके थोड़ा हवा खाएंगे वहाँ पे। और गंगा किनारे यहाँ से डायरेक्टली नहीं जा सकते, गंगा कुटीर होके जाना होगा, जो हम गाड़ी से जाएंगे। हम लोग अभी ऑलमोस्ट 5:30 बजने वाला है, सो या ऑलमोस्ट 5:30 बजने वाला है। तो गाड़ी आ गई है हमारी एंड यहाँ से अभी गंगा कुटीर जा रहे हैं हम लोग। वैसे रिसोर्ट से बाइसाइकल्स भी मिल जाता है पूरे रायचकन गैंजेस प्रॉपर्टी में घूमने के लिए, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। स्पेशली सनसेट के टाइम पे तो साइकिलिंग करके भी मज़ा आ जाएगा। तो ये है गंगा कुटीर, गंगा कुटीर तो पहुंच गए और यहाँ सीधा सामने दिख रहा है गंगा रिवर और बहुत अच्छी हवा आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे भी एक रस्टिक लुक दिया गया है, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट प्रॉपर्टी है, स्टे कर सकता है। Another beautiful property by the Ganges. Wow, यहाँ पे तो एक बहुत बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी हवा आ रही है। तो अभी कैसा लग रहा है सबको? Nice place, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। सबको अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है, गाना भी चालू हो गया, इतनी अच्छी व्यू और मौसम देख के। तो ऐसे ही टहलते हुए गुनगुनाते हुए फैमिली के साथ रायचक में संडे थी सुकून भरी। आई विश हर संडे ऐसी होती। छः बजे रायचक से निकल के लाइक आई सेड लौटते वक्त अक्षरधाम में रुके थे, और अक्षरधाम तो जहाँ भी हो अच्छी लगती है। तो चलिए आज की आउटिंग यहीं तक थी, और ये व्लॉग भी छोटी सी व्लॉग थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी। बताना कमेंट्स में कैसा लगा ये जगह और ये व्लॉग, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स।